उसी दिन बाहर रख देगा। इसलिए जो मूल है उसको पकड़ के रखिए। अंग्रेजों ने देखा कि इनके पास, इनको जीवित रखने के लिए इनके पास वेद है, इनके पास ग्रंथ है। अंग्रेजों को तो संस्कृत आती नहीं है, संस्कृत नहीं आती। उनके दिमाग में एक बात आई, यदि इनके ग्रंथों को नष्ट कर दिया जाए तो इनको हम लोग बर्बाद कर सकते हैं। बहुत अंग्रेजों ने सोचा कि यदि इनके ग्रंथों को यदि नष्ट कर दिया जाए तो इनको बर्बाद करने में एक मिनट नहीं लगेगा। ये अंग्रेजों की सोच थी। लेकिन आज हमारे पड़ोसी, जो आज हमारे पड़ोसी हैं, वो आज हमारे घर में भाई भाई के बीच में फूट डाल करके उनकी संस्कृति को नष्ट करके उनको अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? वो फूट डालने में सक्षम है और वो हमको अलग करने में सक्षम है, इसलिए क्योंकि हम लोग जो पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, अपने ग्रंथों का त्याग कर रहे हैं, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को छोड़ रहे हैं और हम लोग पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, यही मूल कारण है। अंग्रेजों ने सोचा यदि ग्रंथों को नष्ट कर दिया जाए तो फिर इनको बर्बाद करने में समय नहीं लगेगा, तो वो खोजने लगे। बोले भाई कोई भारतीय पंडित तो ऐसा करेगा नहीं, कोई भारतीय पंडित ग्रंथों को नष्ट नहीं करेगा। खोजने लगे। एक जर्मनी में एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था मैक्स कुलर। जर्मनी में एक व्यक्ति मिला मैक्स कुलर, वो संस्कृत जानता था, बहुत अच्छा संस्कृत का ज्ञाता था। उसको बुलाया, बोले तुमको ऐसा ऐसा कार्य करना है जो हमारे भारत के ग्रंथ हैं, जो उनको नष्ट करना है। तो आप जानते हैं किसी को नष्ट करने के लिए भी मेहनत की आवश्यकता होती है, मेहनत की आवश्यकता होती है। अगर कोई आपको बर्बाद करना चाहेगा तो उसको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। जिस रफ्तार से आप विकास कर रहे हो, उसका दूना जिस दिन वो रफ्तार पकड़ लेगा उसी दिन आपको बर्बाद कर सकता है, उसके पहले नहीं कर सकता। उसके लिए भी मेहनत की आवश्यकता होती है। मैक्स कुलर ने कहा कि मैं पहले ग्रंथों को पढ़ूंगा, पहले पढ़ूंगा और देखूंगा कि उसमें कमजोर पॉइंट कौन सा है। जैसे आज कुछ कुछ श्लोकों का लोग उलट करके उसका अर्थ उल्टा पुल्टा कर दिए, यही हमारे ग्रंथों का विनाश का कारण है। मैक्स कुलर ने हमारे ग्रंथों को पढ़ा, हमारे वेद को पढ़ा और वेद पढ़ने के बाद उसने कहा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं लेकिन भारत में जो ग्रंथ है मैं उनको नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इस संसार में यदि मनुष्य को स्थापित यदि कोई कर सकता है तो वो हमारे भारत के ग्रंथ हैं। तो हमारे भारत के ग्रंथ हैं जो मनुष्य को स्थापित कर सकता है, मनुष्य की महात्म को बता सकता है, मनुष्य के मनुष्यत्व को स्थापित कर सकता है, वो है भारत के ग्रंथ। अंग्रेजों के विरोध में मैक्स कुलर बोला। क्यों? क्योंकि उसने वेद को पढ़ा लेकिन हम लोग अपने ग्रंथों को पढ़ते नहीं। जिस दिन आप पढ़ लेंगे उस दिन जो विरोधाभास है, जो मन में ईर्ष्या है, जो द्वेष है, जो प्रतिस्पर्धा है, सब कुछ खत्म हो जाएगी। लेकिन जब तक हम इसको धारण नहीं करेंगे तब तक मुश्किल है। हमारे यहां चार बहुत ही कह सकते हैं